कई भैंस पानी में। Hey guys, welcome to Deep Vlogs and आज बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ घूमने। तो आज अनुज, मैं, पंकज, डीएम हम लोग जा रहे हैं लेपर्ड हिल्स, जहाँ पे हम चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, मजे करेंगे, फोटोज खींचेंगे। आज मौसम भी बहुत अच्छा है घूमने के लिए, एकदम मस्त धूप निकली और हवा भी चल रही है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं है तो मजा आएगा घूमने में। फिलहाल मैं जाता हूँ अपना वर्कआउट करता हूँ क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो वर्कआउट करके आपसे मिलता हूँ। आई एम डन विद द वर्कआउट एंड काफ़ी अमेजिंग वर्कआउट था और मैंने अपना प्रोटीन भी ले लिया है। तो आपको पता है कि लास्ट ईयर मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि मेरे को फिट होना है। इस साल मेरा न्यू रेजोल्यूशन है कि मुझे और भी ज़्यादा फिट होना है और मसल गेन करना है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है प्रोटीन लेना और मैं ले रहा हूँ ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अभी लेते हुए इसको ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ओजीवास प्रोडक्ट। आई मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ मैं प्रोटीन जरूर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाता, बट स्टिल आई ट्राई टू टेक द प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कंजप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। इससे क्या होता है कि एक तो आपका स्टेमिना बूस्टअप होता है और आपकी जो बोन्स होती है वो भी स्ट्रेंथन होती है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो फिर भी आप ये प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि आपको अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। जो ये वाला प्रोटीन है स्पेशली मेंटली डिजाइन किया गया है, इसमें 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, मल्टी विटामिंस एंड आयुर्वेदिक हर्ब्स है। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग स्टेमिना एंड लीन मसल एज इट हैज अश्वगंधा, ब्रह्मी एंड मुसली। ये एनर्जी लेवल्स को भी इंप्रूव करता है क्योंकि इसमें मल्टी विटामिंस है, जैसे कि बायोटिन, जिंक, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन ई। और सबसे अच्छी बात यह कि ये सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, ना ही प्रिजर्वेटिव्स है। एंड इसको कंज्यूम करना ही बहुत ईजी है, आप एक स्कूप लो और 200 ml वाटर या फिर मिल्क में मिला के पी लो। सो गाइज, मैं तो अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ओजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स ले रहा हूँ, आप भी ये ट्राई कर सकते हो, लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली ट्राई करो। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम ओजीवा, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। आप चलते हैं और बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो गाइस, पहले मैं, अनुज, पंकज, टीएम ही जा रहे थे, बट अब जीजू, माधवी दी और कबीर भी जा रहा है और उसकी जो सीटिंग है हमें दिखा दो, कितनी क्यूट लग रहा है। दुगला फूल बबू क्रैंकी बेबी पापा फूल मिली कुचली। सब लोग फाइनली चल चुके हैं और ये होने वाला है बेबीज डे आउट, मतलब फर्स्ट डे आउट। हाँ, बोले बोले बाबू बोले, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है ये। उसको पहली बार उसने सीट बेल्ट बांधी है ना, तो उसको थोड़ा तंग लग रहा है और उसको घूमने का भी मन कर रहा है कि उसको गोद में लेके घूमो। अभी वहाँ पहुंच जाए फिर मैं आपको बताता रहूंगा क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हम थोड़ा रास्ते पे आराम से जाएंगे और फिर पहुंच के आपको ब्लॉक करेंगे। तो हमने इसको सीट पे बिठाया था लेकिन हार्डली 10 मिनट ही बैठा हुआ, फिर पैपर होने लगा क्योंकि इसको भैया गोद में चाहिए, उसको नींद आ रही थी। अभी ये सो रहा है यहाँ पे ऐसे पपलू सा बन के सो रहा है। माधी कैसा लग रहा है तुझे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार बोल रहे रो मत पड़ी हो। इतने टाइम के बाद घर से बाहर निकले सच्ची में, मतलब 3 महीने बाद, मतलब मुझे लग रहा है डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते मैं को रोना ही ना आ जाए। बस वहाँ पे रो दियो, ठीक है, ब्लॉक ले रो दियो, ब्लॉक के सामने भैमे करके रोइयो गिर गिर के। हमारा पोपला छोला है। तो गाइस, जहाँ पे हमें आना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब ड्राइव है, अनुज, पंकज, डीएम से भी हम मिल चुके हैं, वो भी आगे आगे चल रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और मैंने जगह बदल ली क्योंकि मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा। ये रास्ता जो है थोड़ा पहाड़ी रास्ता है तो ऐसे जिगजैग में जाएगा और माधवी दी को पता नहीं था और माधवी दी को पहाड़ी रास्ते में बहुत उल्टी आती है और माधवी दी की फट गई जैसी पता चला ना कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो माधवी करीब बताया क्यों नहीं मुझे, बट ठीक है, एडवेंचर होगा, मस्त एकदम हवा हवा चल रही है बाहर। Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. So guys, हम लोग पहुंच गए हैं और अभी हमने साइड में रोका है। ऐसे ही है क्या सारा? ऐसे ही है। अच्छा भाई, ऐसा सीन दिया करने को। तो ये रहा पंकज जी। हेलो गाइस, ये पंकज का नया कट। ये कौन सा कट? नया ऐसे साइड की मांग कर रखे ना तूने। यार ये बाल खराब हो गए मेरे, टोपी पहन पहन के बाल उड़ गए हैं। नहीं नहीं, ये टोपी पहनता हूं ना तो उसके चक्कर में ऐसे ही हो गए, दोनों शेप खराब हो गए। मेरा अनुज ये टोपी पहनने वाला, तू बता ना खोल के उतार। मेरे सबको पता है अनुज, तू अकेला क्यों है? सीमा कहां है? वॉल्यूम की बात कर रही है, सीमा थक गई है।
सीमा एग्जाम दे के आई है ना। हाँ। ओहो वो थक गए। और ये रहा ये डीएम, ये डीएम डीएम ये डीएम तू अकेले क्यों आया तू? नो 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 डीएम तू अकेले क्यों आया बे? अकेले का आया हूँ यार, पंकज के साथ आया, मनोज भी आया साथ। नहीं आंटी को भी लिया था, भावना को लिया था साथ। नहीं नहीं डीएम जब भी ऐसे कहीं ट्रिप ट्रिप पे ऐसे कहीं जाता है तो डीएम हमेशा किसी को लेके आता साथ में, है ना पंकज? मुझे क्या फिर से क्या बोलना है? मुझे नाम याद करने में भूल गया। अरे 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 तो अभी अभी बेबी दूध पी रहे हैं तो इसलिए वो कार में, और बाहर बहुत ठंड है तो अभी हम लोग यहीं पे थोड़ा चिलचपैक करेंगे। हम यहीं करेंगे ना चिलचपैक? यहाँ पे चिलचपैक करेंगे, आगे कैफे नंबर लगेगा तो खा लेंगे, नहीं तो बात ठीक है। आगे हम कैफे में भी जाएंगे और वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे। और ये देखिए ये कौन है, आप कौन हो भाई साहब? ये है सर्वर, ये जीजू का कजन है, तो हम इसको भी लेके आए साथ में घुमाने के लिए। मुझे लग रहा था कि ये रास्ता सिर्फ हम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी भीड़ है, लोगों ने यहाँ पे पिकनिक भी बना रहे हैं और पतंगे भी उड़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं लेपर्ड हिल्स, और काफी सही जगह है यार। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन काफी सही है यार। तो गाइस हम कितना टाइम बाद मिल रहे हैं? हम मिल रहे हैं ऑलमोस्ट अ मंथ। पंकज तेरे ट्रिप कैसा रहा? बेकार होते हैं मेरे ट्रिप यार, हम लोग को तो लेके जाता नहीं है डीएम यार। अनुज मैं जाना चाहता हूँ लेकिन वापस सोलन नहीं जाना चाहता। अरे इस बार अच्छी जगह लेके चलो। ये देखो कपल्स की पिकनिक कैसी होती है, मैं दिखा रहा हूँ कपल्स की पिकनिक कैसी हो रही है। आइए आपका इंतजार। तू मिल लिया कबीर से? मजा आया? मजा आया। तू मिल लिया कबीर से? रोहित हम तो इसलिए चल जिंदगी चल रहा है यार, ठंडी चल रही है आजकल यार, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। ट्रिप तो हम चलते हैं कसोल। कसोल लास्ट टाइम भी कसोल का बनाया था और फ्लॉप हो गया था प्लान, इस बार ही नहीं होएगा। चलेंगे भाई 3 दिन का हम जा रहे हैं, मेरे ऑफिस में बता दो, चाहे तो 25 की छुट्टी से ले रहा हूँ। इसको तो यही रहता है मेरे ऑफिस में बता दो छुट्टी ले लिए डीएम ने, अब तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। वो देखो कुत्ता चढ़ गया टांग उठाने, कई भैंस पानी में। बंदे को होता आया अपना फोर्स। छिल तो नहीं गए तेरे पिछवाड़े पीछे से? ये देखो ये है राइडर प्रोवाइडर, ये देखो कैसे उतरेगा सीधा सर के बल, जेब से हाथ निकाल ले भाई। ओ ये ओ सो गाइस अभी मैं अनुज और सर्वर जल्दी आ भाग के, हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। तो हम लोगों ने तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे थोड़ा एक्सप्लोर करने, हम लोगों ने एक दो जगह देखी है और यहाँ पे लेक भी है ऐसा पंकज ने बताया, तो हम ट्राई करेंगे लेक ढूंढने का। किसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं? अरे यार करना तो पड़ेगा ही। ओ भाई कितना सही है यार, रास्ता बना हुआ यहाँ पे। तो ये देखो ये जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं, पूरे ट्रिप की मां बहन करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चलने से मना कर रहा हूँ भाई। नहीं यार ये कितना सही है। ओ आओ कांटे घुस गए मेरे अंदर, आओ कांटे घुस गए। वाले काम होते जो तू भाग के आ रहा था। अरे तो यहाँ पे घुसे है ना, हमारे तो चुभे नहीं। हम लोग अभी लेपर्ड हिल्स में, और यहाँ पे असली में लेपर्ड आ गया तो यहाँ पे कभी फैमिली थी लेपर्ड की। अच्छा साइड सीनिंग होती है कभी कभी, पर आई गेस कहीं बीच में जाके होती है बहुत। मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर एक्चुअल में लेपर्ड यहाँ पे आ गया तो हमारा प्लान क्या है बचने का भाई? वो ये तो इंसान ही रट्टी लग रही है। इंसान ऐसे ऐसे शेड में शेर बैठते हैं। हाँ और ऐसी ऐसी शेड खराब करते हैं कपल्स, कपल्स। शादीशुदा वाले नहीं वो जो होते हैं ना रोमियो मजनू, शादीशुदा वालों को कोई टेंशन नहीं होती। हाँ उनके पास तो घर होता है यार। तो मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी फोटो वोटो खींच लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल ऐसी ऐसी वो डिस्कवरी, वो कौन है वो जंगलों में घूमता रहता है, बेयर ग्रिल्स, बेयर ग्रिल्स वो वैसे उसकी तरह। हाँ कुछ खाते हुए सांप सूप लाओ मेरे लिए। चल चल टट्टी नहीं खाऊंगा मैं, तो मैं नहीं खाऊंगा ना टट्टी। अनुज ने कोई रास्ता ढूंढा है ऊपर जाने का, लेकिन ये रास्ता यहीं पे खत्म हो गया भाई। लेकिन ये ना ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे भूतिया फिल्मों में नहीं होता या नाटकों में, वैसी बिल्कुल ट्रैक टाइप लग रहा है। एकदम अंधेरा हो जाएगा फिर यहाँ चुरा डालने। ओ भाई पहले वो मैंने सेक्सी लुक देगी ऐसे करके। फिर हम जाएंगे खींचते, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, ये लोग जाएंगे। अच्छा अच्छा भाई मत जा, रहन दे ना जा, ये खुजली वाले पौधे ना हो तो खुजली हो जाएगी। सर्वर क्या है जिंदा आएगा? लगता तो नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ही काट है भैया। आज वर्कआउट के साथ साथ ट्रैक भी हो गया। तो गाइस यहाँ पे एक होटल बन रहा है, वहाँ पे एक पाउंड पाउंड बन रहा है। कुछ नहीं यहाँ आओ ना, ये अभी बन रहा है ना, करा मालिक मना करता है। मैं तो उसे कह रहा था कि मैं अंदर जान दे, कह रहा गरीब आदमी है सर, मालिक बैठा होगा। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, 2 इंटर लगा दूंगा। हम काम ढूंढ रहे इंजीनियर है। सर्वर को देखो वहाँ पे मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनसे जॉब मांग रहे हैं। अबे ऐसा कैसा इंजीनियर है तू साले? अनुज क्या हो गया, काटा घुस गया?
अनुज कांटा निकाल रहा है अपनी जींस के अंदर से। वहां पे वो भी रो रहा है, उसके भी कांटा घुस गया। और तुमने देखा मुझे लेक्चर कौन दे रहा था स्टार्टिंग में कि भाग के आगे तो कांटा लगेगा ही, ये चल के आगे इसको भी तो घुस गया कांटा। भैया जिसके लगना है कांटा उसके लगेगा ही। उनका कुछ आए जा रहे हैं, इनको इतने कांटे लग चुके हैं ना, मेरे को एक ही लगा है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, जीजू का कॉल आ चुका है, वो लोग ऊपर ही है। अब हम लोग कैफे जाने का ट्राई करेंगे। पंकज ने बोला कि कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो टोकन लेना पड़ता है। होपफुली आज इतनी भीड़ ना हो, अगर भीड़ होगी तो वापस आ जाएंगे एंड देन देखते हैं क्या करते हैं। भाई क्या हो गया, कांटे से डर गया ना भाई, दहशत क्या रही है भाई। मैं इसी देख के डर गया भाई कि लेपर्ड तो नहीं आ गया, पता नहीं क्या देख लिया। नहीं भाई अब भाग लो थोड़ा, अब रात हो रही है, चलो भाई भागो भागो। अब रात हो गई तो हम भाग भाग के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा लेपर्ड आ जाए। अनुज लास्ट में, अनुज को खा जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को नहीं खाना चाहिए, भागो। ये देख लो भागने की बात हुई थी, ये कैट वॉक करते करते आ रहे हैं। आई थिंक संडे वेल स्पेंड हो गया क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था आज का, एकदम से यहाँ का प्लान बना और मैं आ गया। ये बात तो सही है, उतरना इजी है, चढ़ना मुश्किल है। हाय, और हर चीज में चढ़ना मुश्किल है। साले तू डबल मीनिंग बातें कर ले मेरे व्लॉग्स में। हम एक्सप्लोर करके आए हैं। नहीं सर्वर आ रहा है, सर्वर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, फाइनली सर्वर भी आ गया। ये ओ सो गाइस, हम लोग जिंदा वापस आ गए हैं, कांटे कूटे लगवा के अपनी शरीर पे। कहाँ लगा है कांटा? लगा मेरे पैर में लगा, इसकी पैंट के अंदर लगा। बंगले के So guys, अभी सीन है, आगे कैफे है और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। अगर वो फुल हुआ तो फिर हम वापस आ जाएंगे, अगर फुल नहीं हुआ तो वहीं पे बैठे कुछ खाएंगे पियेंगे, है ना भाइयों? बावले जी जी माने जीनियस। ये पंकज इसलिए हंस रहा है क्योंकि डीएम के बहुत देर से कांटा घुसा है, इसको पता ही चला। डीएम दिखाइए कांटा, कांटा लगा। ये I'm sure तो तब लगा होगा जब ये वहां पहाड़ों चढ़ रहा था। और इसे अब महसूस हो रहा है। गाइज हमने ना डॉगी के लिए बिस्किट लेके आया था, अनुज बिस्किट लेके आया था डॉगी के लिए। ये रहा डॉगी, लेकिन डॉगी के बिस्किट खा के सारे ये। अरे पार्ले जी था और मैंने ही लिए थे। लाया तो अनुज ना, अनुज हमारा पेपर बैग था, उसने कैरी किया। और लिए किसके लिए थे? पप्पी के लिए थे, उसने खाए नहीं। कुत्ता है तू, कुत्ता। यहाँ पे हम लोग बॉनफायर का सीन कर रहे हैं और थोड़ी बहुत यहाँ पे आग लग जाए तो मजा आ जाए। भैया कुछ पेपर वेपर जला दो यार, क्या कर रहे हो? सभी हम लोग यहाँ पे मस्त मैगी खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे फील आ रही है जैसे हिल स्टेशन में हो। तेरे को नहीं आ रही? अरे तेरे को उल्टी नहीं आई ना इसलिए। सो गाइस अब हम जा रहे हैं और यहाँ का बहुत ही सही सेशन था, मजा आया काफी यहाँ पे। डीएम ट्रिप पक्का है हमारा? हाँ ट्रिप पक्का है। पंकज ट्रिप पक्का है अपना? हाँ 50%। बाय 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 डीएम, बाय अनुज। ओके गाइस तो हम घर पहुंच चुके हैं एंड अगर आपको उजीवा का प्रोटीन एंड हर्ब्स ट्राई करना है तो मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी व्लॉग में यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव बॉट एंड इतना बड़ा पैकेज है ये, और ये अब माधवी देव जी जो घर पर जाएगा और आपको पता चलेगा क्या है ये। तो नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल इसके बारे में होने वाला है, इसके बारे में नहीं लेकिन इससे रिलेटेड होने वाला है।